सबको शुभ मध्यान्हम। ये जो आज प्रेस मीट रखी गई है, ये सबको जो ट्रोलिंग चैनल्स हैं, जो कि जिसमें कुछ लोग, कुछ युवा लोग ट्रोलिंग करते हैं और सिर्फ चंद पैसों के लिए, कुछ लाइक्स के लिए और कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी चर्चा में रहने वाले टॉपिक से रिलेटेड वल्गर या फिर गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष या किसी महिला की फोटो को मॉर्फ करके डाल के वो सिर्फ अपने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं। उनके अगेंस्ट जो हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक्शन लिया है, उसके बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए प्रेस मीट को रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक महीने 20 दिन से हमने ये देखा कि क्योंकि कुछ टॉपिक्स चर्चा में है, इस वजह से कई लोग जो कि जनरली क्रिमिनल नहीं है बट एक क्रिमिनल इंटेंशन ना होते हुए भी वो कई महिलाओं की इमेजेस मॉर्फ करके और कई बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी इमेज को गलत तरीके से मॉर्फ करके उनको दर्शा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत काम है और आईपीसी की धारा के तहत, आईटी एक्ट की धारा के तहत पनिशेबल है। तो उनके अगेंस्ट हमने स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम रख के एक मिशन मोड बेसिस पे पिछले 20 दिनों में 8 लोगों को पकड़ के उन्हें 41A नोटिस सर्व किया है, जिसमें कुछ चैनल्स हैं जिनके नाम है ट्रोलर कुर्राडू, जिसके ओनर थे श्रीनिवास राव, जिनको विजयनगरम से पकड़ा गया, ट्रोलिंग चैनल मसबाई, जिसके ओनर है मणिकंटा, कडबा से पकड़े गए, यंकम्मा ट्रोल्स, जिसका ओनर है श्रवण, निजामाबाद से पकड़ा गया, तेलुगु ट्रोल्स न्यू, जिसका ओनर है श्रीनु, जिसको वारंगल से पकड़ा गया, चिंटू ट्रोल्स, जिसके ओनर है ज्योति किरण, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, टीम ऑफ ट्रोलिंग बंटी पूर्व ट्रोल्स, ये दोनों ट्रोलिंग चैनल के ओनर नवीन, जो जगतियाल से थे, चंदू ट्रोल्स जिसका ओनर है बोली चंद्रशेखर, करीमनगर से, और चेविलो पूर्व चैनल जिसका ओनर बिल्ला श्रीकांत, कडप्पा से। इस तरह से हम देखा कि आंध्र और तेलंगाना में छोटे छोटे गाँव से भी लोग सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत तरीके से किसी आदमी को, उसकी या किसी औरत की, उसकी इमेज मॉर्फ करके दिखा रहे हैं, और जो कि एक गलत संदेश देता है पूरे युवा को कि अगर उनको पकड़ा ना गया तो इस तरह की एक्टिविटीज और करते रहे। और कई लोग जो उनको देखते हैं वो इनकरेज होते हैं कि चर्चा में रहने वाले विषय को लेकर इस तरह की गलत पोस्ट वो करें। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक टीम बना के पिछले 10 दिनों से हम इसमें जुड़े हुए थे। इसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक टूल्स और स्पेसिफिक टीम्स डाल के ये काम किया गया, जिसमें क्योंकि एक फीमेल इंस्पेक्टर की जरूरत थी, तो पद्मा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो अभी MCHRD में एक लेक्चर देने गई हैं, और दशरू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अंडर गाइडेंस ऑफ ACP साइबर क्राइम प्रसाद ने बहुत अच्छा काम किया है। और इन 8 ट्रोलर को पकड़ के हम ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें ज्यादातर पकड़े गए लोग 20 से 30 साल की उम्र में हैं और कई लोग कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो कि छोटे छोटे गांव में चंद लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। कुछ लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो उनको ये मैसेज है कि इस तरह की गलत ट्रोलिंग में, इस तरह की इंडिसेंट और गलत तरीके से एक महिला को, ACP साइबर क्राइम प्रसाद ने बहुत अच्छा काम किया है। और इन 8 ट्रोलर को पकड़ के हम ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें ज्यादातर पकड़े गए लोग 20 से 30 साल की उम्र में हैं और कई लोग कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो कि छोटे छोटे गांव में चंद लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। कुछ लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो उनको ये मैसेज है कि इस तरह की गलत ट्रोलिंग में, इस तरह की इंडिसेंट और गलत तरीके से एक महिला को दर्शाने वाली ट्रोलिंग में ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उनके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किया जाएगा, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और केस बुक करके हमने ये दिखाना चाहे कि इस तरह की ट्रोलिंग साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद नहीं टॉलरेट करेगी। धन्यवाद। आपका इंटरप्रिटेशन है कि हमने ऐसा होने पे ऐसा किया है, ये आपका उस चीज को लेके जो आपकी समझ है वो है, पर हमारी समझ ऐसी नहीं है। हमारी समझ ये है कि 20-30 दिनों से हमने देखा कि जो ट्रोलिंग है वो इस हद तक बढ़ रही है कि जिसको हम लोग अगर अभी हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो एक तरीके से गलत संदेश भी देती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को इनकरेज भी करते हैं कि ऐसी ट्रोलिंग कंटिन्यू करते रहें और बढ़ाते रहें। पहले 1-2 कंप्लेंट आए, बट जब हम देख रहे हैं कि बात के बाद एक के बाद एक हमें कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो ये जरूरत महसूस हुई कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कंप्लेंट आएगी तो जरूर, और ऑलरेडी हमारे पास हैदराबाद सिटी में और भी है, अदर देन हैदराबाद साइबर क्राइम, स्मॉक है, स्मैश है, सोशल मीडिया IT सेल है, जो ऑलरेडी इन पर नजर रखते हैं। हम लोग आपस में ये सारे सेल्स टच में रहते हैं, और जब भी हमें या तो वॉक इन कोई कंप्लेनेंट आके इन्फॉर्मेशन देता है
या ऑनलाइन हम फिल्टर करके ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या पार्टी, क्या पॉलिटिकल आदमी, औरत, क्या रिलीजन, क्या धर्म, वो सोचे बिना सबसे पहले डिलीशन रिक्वेस्ट डालते हैं, और अगर कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो उसके एफआईआर बुक करके उस केस में जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो लिया जाता है।